आपका आर्टियोडियम स्वागत है। आज हम टीम लेकर आए उसका टाइटल है इम्फाल सिटी कैपिटल ऑफ मणिपुर, इम्फाल सिटी 4 के ड्रोन व्यू 2024, मणिपुर ड्रोन व्यू इम्फाल टूर। तो चलिए देखते हैं वीडियो। से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित इम्फाल शहर को, जो अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाहौर, लाहौर काफी बड़ा है ना, पहाड़ भी है, दीवार बनी थी पहाड़ पे। ये मैंने लेख, हाँ लेख है। भारत के पूर्वोत्तर में बसा इम्फाल शहर मणिपुर की राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती और अपनी लोकटक लेक के लिए विश्व विख्यात है। इस शहर के खूबसूरती की वजह से इसे ज्वेल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ये शहर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके पड़ोस में नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य आते हैं, तो पूर्वी भाग में म्यांमार का हिस्सा आता है। इम्फाल का कुल क्षेत्रफल 1228 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख के करीब है। इम्फाल में ज्यादातर लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं और एक टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण यहाँ हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। इस शहर की लिटरेसी रेट भी काफी हाई है, जिस वजह से यहाँ के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। इम्फाल शहर का विकास तेजी से हो रहा है, जो इसकी GDP की बढ़ोतरी का अहम कारण है, जिसके चलते ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदल रहा है। इम्फाल की डाइवर्स इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, माइनिंग, हैंडीक्राफ्ट, मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म शामिल हैं। वैसे मणिपुर के इस सुंदर शहर को स्मार्ट सिटी मिशन में भी इंक्लूड किया गया है। इम्फाल की सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत धनी है। यहाँ के नृत्य, संगीत और फेस्टिवल अपने आप में विशेष हैं, जो देश की डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। इम्फाल एशिया की सबसे बड़ी ऑल वीमेन मार्केट के लिए भी जाना जाता है, जिसे ईमा मार्केट, मदर्स मार्केट और भी कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जहाँ सभी दुकानें सिर्फ औरतें ही चलाती हैं। बात करें इम्फाल शहर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो माना जाता है कि पोलो खेल की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और इम्फाल में ही दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड है। वैसे इम्फाल में काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जिसमें एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ मताई गार्डन, इस्कॉन टेंपल, गोविंदा जी मंदिर, कंगला फोर्ट, थ्री मदर्स आर्ट गैलरी, मणिपुर जियोलॉजिकल गार्डन के अलावा मणिपुर स्टेट म्यूजियम क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का खजाना है। साथ ही लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अपने फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है। और इम्फाल में ही वॉर सिमेट्री भी है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं बात हो खाने की, तो इम्फाल शहर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपने यूनिक फूड के लिए भी काफी फेमस है। और अगर आप भी इम्फाल शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मणिपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अच्छा, मुझे पहले लगा था बीच में एक जगह आई थी, शायद वो रेलवे स्टेशन भी होगा। अच्छा है, काफी बड़ा मतलब शहर है। हाँ। लेकिन मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से वो सेग्रीगेशन हुई हुई ना, लाइक इस साइड पर लोग हैं उधर, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। धरती में सच में कुछ जगहें जो है ना, वो इस तरह की होती है कि इंसान का दिल करता है कि वो अपनी आंखों से जो है वो देखे। ख़ासतौर पर ऐसी जगहें, यानी कि ऐसी वादियां जो चारों साइडों से जो है ना पहाड़ों से जो है वो घिरी हुई हों, तो आपको जो है ना वो नज़ारे ही डिफरेंट लगते हैं। लेकिन मुझे आज सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लग रही है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये सजेस्ट किया जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट की वीडियोज़ देखें, तो जैसे ही सजेस्ट होती है हम डेफिनेटली उसको ज़रूर आपके साथ बैठ कर देखते हैं। और नो डाउट ये एक नई जगह थी हमारे लिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैंने इम्फाल का नाम पहले सुना भी नहीं था। नहीं, मैंने सुना हुआ था। नहीं, मेरे लिए ये एक नई जगह है। और मणिपुर का नाम सुना हुआ था, लेकिन मुझे इम्फाल के बारे में नहीं पता था। नॉर्थ ईस्ट के और जगहों के भी नाम जो है वो सुने हुए हैं,
बट मैं कहूँगी कि जिस तरीके से ये लोकेटेड है, लाइक जो स्पेशली अगर हम लोग लोगों की बात करें घरों की, तो मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा। मुझे पहाड़ी इलाकों में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मतलब इंडिया वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं देखने को मिलती हमारे नॉर्थ में, वो ये कि ना घर बड़े कलरफुल होते हैं, यानी ग्रीन, रेड और ब्लू। अच्छा, ये चीज़ आपको अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो देखने को मिलती है, वहाँ पे भी घर इसी तरह के होते हैं। इवन के तुम शिमला वाली साइड पर भी जब जाते हो, शिमला में भी अगर वो घरों को तुम देखो तो मतलब वो ऐसे जो लेयर्स बनी हुई है और वहाँ पर भी घर इस तरह से, तो वो व्यू बड़ा खूबसूरत आता है। मेरा ख्याल है शायद ये कल्चर होगा पहाड़ी इलाकों का, बट मैंने ये चीज नोट किया। चले एक जगह दो जगह तो आपको जो है वो समझ लगती है, लेकिन शायद उसके पहाड़ी इलाकों का जो है ये वहाँ पर कल्चर हो कि भाई कलरफुल घर, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई जो टूरिस्ट होते हैं जब वो अपनी बालकनी में आते हैं तो उन्हें इस तरह कलर्स नज़र आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो उन्हें लगते हैं। हाँ, एक चीज़ जो कॉमन है व्यू में वो मैं ही बता देती हूँ पहाड़ी इलाकों की, वो ये कि रात को भाई बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि पहाड़ों में जो वो लाइट्स ऑन होती हैं घरों की, होटल्स वगैरह की, तो ऐसे लगता है कि आप किसी डायमंड वाली वैली में आ गए हो और आपको हर जगह पर वही चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। मैंने जब पहली दफ़ा ये चीज़ विटनेस की थी ना, सीरियसली मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था किसी ना तिजोरी में से वो सारे डायमंड्स बाहर निकल कर आ गए और मैं उन चीज़ों को, मतलब मेरी आंखें जो है ना वो हजम नहीं कर पा रहे। हाँ, एग्जैक्टली, डाइजेस्ट नहीं आपसे हो पा रहा होता कि हम देख क्या रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो ना ज्यादा मजा आता है जब आप पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहे हो ना, और जो है वो सड़क के, यानी कि आप गुजर रहे हो और आपको एक पहाड़ पूरा वो जगमगाता हुआ जो नजर आ रहा है। जगमगाता ये नहीं कि लोगों ने सिर्फ स्पॉट लाइट जो है वो डाली हुई है, यानी कि घरों की जो लाइट होती है ना वो ऐसे जैसे सितारे, बाकी आपके सामने जो है ना वो सितारे जगमगाना जो है ना वो शुरू हो चुके हुए हैं। अच्छा, वैसे जो लेक है लोकतल लेक जो है वो, उसकी मैंने कुछ रील्स जो है वो मैंने लोगों की देखी, वाकई वो बहुत खूबसूरत जगह है। और मेरा ख्याल है कि भाई मणिपुर की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। आपको याद हो हमने जूको वैली देखी थी, कितनी खूबसूरत जगह थी। और मेरी सबसे अच्छी चीज़ तब ये लगी थी कि भाई स्टेट की तरफ से वहाँ पर प्लास्टिक बैन था कि आप प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो लेकर नहीं जा सकते, अगर लेकर जानी है तो आप जाते हुए काउंट करवाएंगे और वापसी पर आते हुए भी काउंट करवाएंगे कि आप अपना मलबा जो आप लेकर जा रहे हैं वो साथ वापस लेकर आए। हाँ, लेकिन तुम ये देखो कि वो जो जूको वैली का जो जिस तरह से माउंटेन्स थी उसमें भी वो कितनी खूबसूरत बनी है, मतलब बहुत ही डिफरेंट वो लगती है, एक बहुत ही अलग टी गार्डन टाइप। बिल्कुल आप कह सकते हो, लेकिन अलग ही एक खूबसूरती है। फिर भाई बीच में एक चीज, ऑब्वियसली उसको लैंड ऑफ ज्यूज बोला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कांगला फोर्ट है वो एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, और उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि एंशियंट टाइम में जिसके पास इस जगह का कंट्रोल होता था उसके पास एक्चुअल में सारे एरिए का कंट्रोल होता था, और सेंचुरीज तक वो पावर जो है वहाँ पर उसी इंसान के पास जो राजा होते थे उनके पास रहा। अच्छा, इन सदियाँ जो है वहाँ पर हुकूमत हुई है, लेकिन जो है ना मुझे वो जो जगह बीच में दिखाई थी ना, जो मैं पूछा था यार ये क्या है, मुझे लगता है वो शायद फोर्ट होगा या फोर्ट का ही कोई हिस्सा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो है ना वो एक जगह लग रही थी। और उसके साथ साथ भाई ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो पोलो ग्राउंड है वो आपको इम्फाल में ही जो है वो देखने। हाँ, पहली यानी कि ये कहा जाता है कि ओरिजिन जो है वहाँ से है, और उसके साथ साथ जो है ना वो दुनिया की हाईएस्ट पोलो ग्राउंड आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए ये फैक्ट भी नया था, क्योंकि मुझे इसके बारे में आईडिया, वैसे तो पोलो हमें खेलनी नहीं आती, कहा जाता है ये अमीर लोगों का शौक होता है, लेकिन ये है कि फिर भी पोलो नहीं होती, वो गोल्फ होती है। हाँ, पोलो तो यहाँ पर भी बिल्कुल खेली जाती है। थैंक यू मौजूम करेक्ट करने के लिए, मुझे लगता है वो जो मैंने अमीर लोगों का वर्ड यूज किया ना, मौजूम को वहां से पता चला है ना। लेकिन मौजूम बस फर्क ये, इसमें घोड़े पर बैठकर आप जो है वो बॉल के साथ खेल रहे होते हो, लेकिन डिफिकल्ट होती है यहाँ पर भी। मेरे हाल में हम नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ वाले पहाड़ों में आपको जो है वो, नॉर्थ वाले पहाड़ों में गिलगित बल्तिस्तान का जो है आपको देखने में, शायद मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट होता है पूरा वहाँ पर। मैं ये कह रही हूँ, मुझे लगता है ये हमारे इस सारे रीजन का मे बी एक
जब ये इंट्रोड्यूस हुआ जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो आपस में उनके टूर्नामेंट होते हैं उस जमाने में, क्योंकि भाई खत्ता तो एक ही था उस टाइम पर भी, वैसे है तो अभी भी एक, लेकिन ये है कि लोग जो है ना उनके उन्होंने बीच में काफी दीवारें जो है वो लोगों ने नहीं, मैं यहाँ पे कहूंगा पॉलिटिकल लीडर्स ने, तो वो भी तो लोग ही होते हैं, वो लोग नहीं वो क्या होते हैं, वो जो है ना एक अलग प्रजाति है। अच्छा जी, अब हम लोग इम्फाल के वाइब्रेंट और कलरफुल फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, जिनमें से मणिपुर संगाई फेस्टिवल बहुत प्रोमिनेंट है वहां पर, फिर उसके बाद भाई योशेंग फेस्टिवल, और उसके साथ में लाई हराउबा, आई थिंक हम सही हाराओबा फेस्टिवल जो है ये मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वहाँ, बिल्कुल, और बाकी जो है इसे जो है पैराडाइज फॉर ट्रैकर्स भी जो है वो कहा जाता है। भाई तुम देखो ना लोकेशन इतनी खूबसूरत है और फिर एयरपोर्ट है वहाँ पर, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपको अच्छी रोड्स, अगर आप ड्रोन व्यू देखो तो आपको अच्छे रोड्स नजर आ रहे हैं, और जो रेलवे स्टेशन है वो भी आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी बहुत जल्द जब बन जाएगा, यानी कि 2026 तक उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक यहाँ पे आपको पहली रेलवे लाइन भी जो है वो देखने को तो मिलेगी, तो टूरिज्म में और कितना ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद अब स्टेशन भी आ जाएगा, तो बसेस तो ऑब्वियसली आगे ही वहाँ से कनेक्टिविटी होगी। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा खास जो कि अभी तक इस वीडियो में या हमारे डिस्कशन में ना हुआ हो, लेकिन सबसे अच्छी बात जाते जाते जो मैं एक फैक्ट बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब बोलो कि वो क्या है, क्या है? मुझे क्या पता कि वहाँ पर जो एक मार्केट जो जिसको सारी औरतों के लिए औरतें चलाती वही ना औरतों के लिए। और एक ये चीज़ देखी है कि पहाड़ी लोगों में, मतलब जो हम लोग इंडिया की वीडियोज़ देखते हैं वहाँ पर, मुझे ना जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत नज़र आती है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का भी एक कल्चर है वहाँ पर कि जब शादी होती है तो मतलब जो प्रॉपर्टी होती है आई थिंक वो लड़की के नाम पर रहती है, तो मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में की जाती हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में। गुड बाय।